Welcome to the Knowledge Source channel. Now today we'll discuss about the recently IMF chief in a press conference has talked about that global economy has now recently now slipped into a recession. So in this discussion we'll talk about what is recession and where India stands in this recession amid the emerging coronavirus and what India should do. So सबसे पहले हम इस चीज़ में जानने की कोशिश करेंगे कि recession है क्या और ये क्यों रिसेशन इस ऐसा पीरियड हो चुका है कि इस रिसेशन में वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडिया स्पेशली अगर हम इंडिया इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया रिसेशन में जा चुका है. नाउ ये आपका अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले ये आपके पेपर थर्ड में आएगा जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ये मेंशन है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जानें कि नाउ द कोरोना वायरस हैज़ बिकम एन एपिडेमिक. सो पेंडेमिक का मतलब जिन मैंने पहले भी बताया कि पेंडेमिक का मतलब कि दैट मीन्स द डिजीज़ हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये डिजीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है. तो इसके बाद इस डिजीज़ को या इस वायरस को पेंडेमिक घोषित किया गया है WHO के द्वारा. ठीक है, तो सबसे पहले रिसेंटली IMF चीफ जो कि अभी क्रिस्टलाइना जॉर्जिविया हैं वो 27 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिसेशन पीरियड में जा चुका है. और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिसेशन पीरियड है अकॉर्डिंग टू IMF दे आर सेइंग कि ये 2008 या 2009 के जो रिसेशन पीरियड थे वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी एस्केलेट हो चुकी है. ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस कि IMF चीफ ने क्या क्या कहा उस ब्रीफिंग में. ठीक है, तो सबसे पहले द IMF चीफ ने कहा कि द की टू रिकवरी, मतलब कि 2021 में अगर हम रिकवरी के बारे में बात करें अभी जो कि बहुत ही उसकी कम गुंजाइश है जो अभी सिचुएशन जो है अभी जो डिजीज़ अभी फैल चुका है. सो इज़ ओनली एज की टू रिकवरी ऑफ इकनॉमी इन 2020 इज़ ओनली इफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी सक्सीड्स इन कंटेनिंग द वायरस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अकॉर्डिंग टू IMF चीफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम वायरस को कंटेन करते हैं एवरीवेयर एंड प्रिवेंट लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिकमिंग सॉल्वेंसी इशूज. सो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स मीन्स दैट कि लोगों के पास पैसे होने चाहिए और वो पैसे को वो यूटिलाइज कर सकें किन चीज़ों में, तो डिफरेंट चीज़ों को बाई करने में. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमें इस 2020 में अगर हम रिकवरी के बारे में अगर सोचते हैं तो सबसे पहले अभी हमें ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी हम इस एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकें. ठीक है, तो IMF also said that the first step in this long battle of fight against coronavirus is checking the economics and checking the economic slump is containment of virus. So मैंने पहले कहा कि IMF chief का कहना है कि सबसे important जो अभी first and the foremost thing कि हमें इस अगर हमें इकोनॉमी के बारे में अभी सोचना है तो सबसे पहले कंटेनमेंट ऑफ वायरस शुड बी आवर फर्स्ट एंड द ओनली प्रायोरिटी. ठीक है, सो इसके बाद IMF चीफ ने ये भी कहा कि अगर हम वायरस को कंटेन नहीं करते हैं देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो टू द लाइफ्स दैट वी लव एक्चुअली. सो नॉर्मलसी आने में बहुत टाइम लगेगी या फिर इकोनॉमिक स्लगिस इकोनॉमी होगी, डिमांड जनरेट नहीं होगी, तो इसके चलते इकोनॉमी पे बहुत ही बुरी प्रभाव पड़ेगी और जिसके चलते जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो कोई डिमांड जनरेट ही नहीं हो पाएगी तो इकोनॉमी और ही डिप होते जाएगी. तो इसके बारे में IMF चीफ ने ये भी कहा द की कंसर्न फॉर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ सडन स्टॉप ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ द रिस्क वी आर नो. सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे जो डेंजरस सिचुएशन है कि अगर इवन इफ वी आर मतलब हम कंटेन कर लेते हैं इस वायरस को तो सबसे जो डेंजरस सिचुएशन है कि बहुत सारे बैंकिंग जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे या फिर उनके पास मनी ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोगों के पास मनी चाहिए होंगे और वो बैंक से निकालेंगे. तो जब बैंक के पास अगर पैसे ही नहीं हो पाएंगे तो देन कैसे इकोनॉमी फंक्शन करेगा. तो ये चीज़ें थी जो IMF चीफ ने कहा है. आइए देखते हैं और क्या कहा है. तो IMF चीफ ने ये भी कहा कि 81 इमर्जिंग कंट्रीज़ हैज़ मतलब 81 इमर्जिंग कंट्रीज़ जो हैं जिसमें कि 50 जो है कंट्रीज़ वो लोअर इनकम कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट आया है IMF के लिए फॉर हेल्प और टू गिव देम सम मनी टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस. सो आप सोच सकते हैं कि कितनी डेंजरस सिचुएशन पे हमारी इकोनॉमी भी जा चुकी है. नाउ हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी अभी इस स्लगिस ग्रोथ में या यू नो डिपिंग ऑफ इकोनॉमी में कहाँ खड़ी है. सो सबसे पहले अगर हम अभी
27 को ही मोदी जो है उनने रिसेंटली दे चेंज देयर फॉरकास्ट फॉर इंडियाज ग्रोथ. उन्होंने कहा कि दे हैव कट द इंडियाज जीटीपी ग्रोथ. उनने सबसे पहले 4.1 था आई थिंक, सो 2020 का जो आउटलुक था उसको रिड्यूस करके 2.5 दे हैव गिवेन अप. और चाइना की जो ग्रोथ थी वो भी उन्होंने स्लैश करके 3.3% इन 2020. और इसके बाद अगर हम ग्रोथ जो कि 2021 की थी, जो मोदी ने कहा है कि चाइना की ग्रोथ अराउंड 6% के अराउंड हवर कर सकती है, ठीक है. तो रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, रेटिंग एजेंसी जो मोदी है उन्होंने ये भी कहा है कि फ्लो ऑफ द इकोनॉमी ऑलरेडी रिमेन्स सीवियर हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ द सीवियर लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स एंड द बैंक ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर. सो उन्होंने कहा है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स नॉट ओनली कोरोना वायरस इम्पैक्ट है जो इंडियन इकोनॉमी को हैम्पर्ड कर रहा है, बट डिफरेंट थिंग्स लाइक स्लगिश इकोनॉमी, लाइक यू नो नॉन फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स. सो ये एक डिफरेंट सिनारियो है इन विच हमारी बैंकिंग सेक्टर भी काम नहीं कर पा रही है, जिसमें कि अभी आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली यस बैंक में एक डिफरेंट क्राइसिस आया है. पीएमसी जो हो चुका है महाराष्ट्र में, उस बैंक ने बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पे स्कलेट हो चुका था और डिफरेंट लोगों के पैसे भी उसमें चले गए. सो ये चीज़ें हैं. और अभी जो हमारी जो ग्रोथ भी लास्ट वन ईयर में अगर हम देखें तो हमारी अराउंड 5 and 5.5% रही है. इसका डिफरेंट रीजन्स है तो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो मोदी ने यह भी कहा है कि G20 इकोनॉमीज विल एक्सपीरियंस एन अनप्रेसिडेंटेड शॉक इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड विल कंट्रैक्ट इन 2020. सो नॉट ओनली इंडिया और चाइना और ये सब चीज़ें, बट ऑल कंट्रीज, यू नो द इफ यू टॉक अबाउट इन रियली G20 कंट्रीज, दे विल देयर ग्रोथ विल रियली श्रिंक्ड. ये ऐसा मोदी ने कहा है. और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है कि अराउंड 2021 में ये ग्रोथ फिर से रिवाइव हो सकता है, ठीक है. नाउ अगर हम रेट कट्स के बारे में अगर हम देखें, जो मोदीज़ ने रेट कट्स दिया है, तो अर्लियर इंडिया की जो फॉरकास्ट थी वो 5.3 थी, जो कि अराउंड 2.5 हो चुकी है. चाइना की 4.8 थी, ना वो 3.3 हो चुकी है. US की 1.5 जो -2 में जा चुकी है. सो G20 की 2.1 थी और नाउ -0.0. सो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट सिनारियोज तो दिया गया है फॉरकास्ट फॉर यू नो अपकमिंग ईयर्स, और स्पेशली फॉर इफ़ यू टॉक अबाउट 2020. सो ये अच्छे साइंस नहीं है इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमी ऐसे ही पहले ही सही बहुत सारे मेजर चैलेंजेस फेस कर रही थी, और नाउ अब ये जो पेंडेमिक वायरस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका है, नाउ दिस इज़ ऑल्सो टेकिंग ए ह्यूज टॉल ऑन आवर इकोनॉमी, ठीक है. नाउ विल डिस्कस कि क्या होता है रिसेशन एंड स्लो डाउन, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते होंगे कि क्या होता है डिफरेंस मेजर्स बिटवीन रिसेशन एंड स्लो डाउन. तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस बात करें रिसेशन की, सो इन इकोनॉमी रिसेशन इज़ ए बिजनेस साइकिल ऑफ कंट्रैक्शन वेयर देर इज़ ए जनरल डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो क्या होता है कि रिसेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो रिड्यूस हो जाती है, तो जिसके चलते सो रिसेशन जनरली अकर व्हेन देयर इज़ ए वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन स्पेंडिंग. सो क्या होता है कि जब लोगों के पास लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं चीज़ों को ख़रीदने में, या फिर डेली एक्टिविटीज़ में, डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ख़रीदने में, तो धीरे धीरे इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम होने लगती है. और डिमांड जब कम होती है तो धीरे धीरे फिर रिसेशन आता है. जब रिसेशन आता है तो डिफरेंट फिर जॉब कट्स होते हैं, और फिर जॉब कट्स होते हैं तो ये फिर साइकिल धीरे धीरे ये चलता जाता है और अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है वो बहुत ही डेंजरस लेवल पर पहुँच जाती है. सो ये एक पीरियड, एक साइकिल, साइक्लिक पीरियड चलता है, ठीक है. सो रिसेशन इज़ मार्क बाई द डिक्लाइन इन रियल GDP ग्रोथ. सो सबसे पहले क्या होगा कि GDP की ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और विच इज़ एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर ऑफ रिफ्लेक्ट्स. सो GDP क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है महंगाई उसमें से एडजस्ट करते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए गिवेन ईयर. सो कोई भी वस्तु या सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
जीडीपी, ठीक है. सो इन रिसेशन, रिसेशन में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि ड्रॉप्स इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की कम हुई, कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल सेल्स विल एकॉम्पनी एंड डिक्लाइन इन द रियल जीडीपी. सो ठीक है, ये सब सिचुएशन विल फॉलो वन बाई वन, वन यू नो, ये यू नो ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो वन बाई वन. सो सो अगर हम बात करें कि ए मेयर स्लो डाउन ऑन द अदर हैंड मीन्स दैट इकोनॉमी इज स्टिल ग्रोइंग बट एट द रिड्यूस्ड रेट. सो क्या होता है कि रिसेशन में क्या होता है कि डिमांड ही जनरेट नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते कि इकोनॉमी रिसेशन में चला जाता है और इसके बाद फिर जॉब कट्स, लोगों के पास पैसे नहीं, हंगर एंड ऑल दिस थिंग्स विल फॉलो. लेकिन अगर हम स्लो डाउन के बारे में बात करें कि स्लो डाउन का मीनिंग होता है कि इकोनॉमी इज स्टिल ग्रोइंग बट एट द स्लोअर स्पीड. सो इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है बट एट द स्लोएस्ट स्पीड. सो अभी अगर आपको याद होगा लास्ट वन ईयर में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो बहुत कम हो गई थी. सो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन है, ठीक है, स्लो डाउन है, ना कि रिसेशन पीरियड में है, ठीक है. सो नाउ विल डिस्कस कि क्या होता है स्लो डाउन, ठीक है. सो मैंने आपको बताया कि रिडक्शन इन ग्रोथ ऑटोमेटिकली लीड्स टू द हैम्परिंग ऑफ द डेवलपमेंट एंड गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स एंड पुअर डेवलपमेंट इंडाइसेस कंट्रीब्यूट टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद जो डेवलपमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज हैं, डिफरेंट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है. सो नाउ इफ डिस्कस की फाइनेंशियल स्ट्रेस, जिसके चलते क्या होता है कि मतलब अगर हम देखें कि रीज़न क्या होता है स्लो डाउन का, तो सबसे पहले एक रीज़न है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस अमंग द रूरल हाउसहोल्ड. तो रूरल इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर्ड होती है. क्या होती है रूरल इकोनॉमी सबसे ज़्यादा, अगर आप थोड़ा आइडिया लगाएं कि किस चीज़ पर डिपेंड होती है, तो एग्रीकल्चर पे, डिफरेंट एलिड एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ लाइक यू नो हनी, हन बी कीपिंग, देन लाइव स्टॉक कीपिंग. सो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है और अल्टीमेटली जब इन सब चीज़ों पे इनकी ग्रोथ पे हैम्पर्ड होता है तो रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रेस में चली जाती है, ठीक है. तो जब ये रूरल इकोनॉमी मेन जो है वो डिस्ट्रेस में चली जाती है तो स्लो डाउन के फैक्टर्स जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक, ऊपर लेवल तक चला जाता है, ठीक है. सो इसके बाद अगर हम देखें while the credit crunch among the non-banking financial institution, the major providers of the retail loans and recent loans in recent years has exhibited the weaker condition, ठीक है. So ये था difference between recession and स्लो डाउन. सो अगर हम बात करें कि क्या इंडियन इकोनॉमी की अप्रोच होनी चाहिए, कि क्या अब हमें करना चाहिए, बिकॉज अगर हम कोरोना वायरस से अगर हम नेक्स्ट वन और टू मंथ्स में अगर हम सब कुछ ठीक कर ले बीते हैं तो इसके बाद क्या हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है. नाउ सबसे पहले गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो ए काइनेसियंस अप्रोच. काइनेसियन अप्रोच मीन्स दैट इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर टू स्पर डिमांड. सो काइनेसियन अप्रोच बोलता है कि लोगों के पास मनी होनी चाहिए. जब लोगों के पास मनी होगी तो अल्टीमेटली वो एक्सपेंड करेंगे और जब एक्सपेंड करेंगे तो डिमांड धीरे धीरे इकोनॉमी में जनरेट होगी. सो काइनेसियन अप्रोच ये बोलता है. तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो काइनेसियन अप्रोच, ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनपुट्स एक्सटेंशन, मार्केटिंग एंड स्टोरेज एंड ट्रेनिंग. सो ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है. Now it should also raise funds for the Indian economy, Indian government को क्या करने की ज़रूरत है कि जो भी rural background से related कोई भी schemes चल रही है उसमें पैसे देने की ज़रूरत है, जिससे कहते क्या होगा कि rural economy जो है उसमें एक spur देखने को मिलेगा, जिसके चलते कि demand फिर से revive कर सकता है, ठीक है. नाउ ये भी इसके बाद हमें क्या करने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट इन सी मीन्स दिस स्किल एजुकेशन एंड हेल्थ, इसमें हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि इंक्रीज एडिशनल जॉब्स फॉर यू नो इंश्योरिंग बेसिक हेल्थ एंड गुड क्वालिटी एजुकेशन अप टू द सेकेंडरी लेवल. तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी लेवल तक हमें हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे ध्यान करने की ज़रूरत है. नॉट ओनली सेकेंडरी बट सेकेंडरी तक मैं रूरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो रूरल सेकेंडरी लेवल तक हमें एजुकेशन और हेल्थ दोनों में बहुत ही बेहतरीन काम करने की ज़रूरत है, जिसके चलते क्या होगा
स्किल्स जो है वो लोगों में आएगी, और जब स्किल्स जब लोगों में आएगी तो डिफरेंट कंपनीज में वो अपना आराम से जॉब ले सकते हैं, जब जब जॉब ले सकते हैं तो उनके पास पैसे आएंगे, और जब फिर पैसे आएंगे तो आप जानते हैं कि वो पर सामान खरीदेंगे जिससे डिमांड जनरेट होगा, और डिमांड जनरेट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो एक इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ इट शुड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रेज ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दैट फिलिंग ऑल वैकेंट एंड सैंक्शन पोस्ट इन द जनरल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच वुड अराउंड 2.5 million जॉब्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने की जरूरत है। नाउ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन प्रोमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सो अगर हम बात करें कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो एक कैपिटल इंडस्ट्रीज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। सो अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो डिफरेंस क्या होता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक एमएसएमई हो गया, और जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स हो गया। सो इन चीज़ों में अगर हम जो कि ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये कैपिटल वर्क ज़्यादा नहीं लेती हैं। इट मीन्स दैट दे हायर्ड मोर पर्सन्स फॉर वर्किंग फॉर देम। सो इन सब चीज़ों में क्या होगा कि जब ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उनके पास, जब हम इन सब चीज़ों में पैसे देंगे तो इनके पास मनीज होंगे, और जब मनी होंगे तो ये डिफरेंट सामान कर देंगे, फिर आप जानते हैं कि वो साइकिल क्या होता है, ठीक है। सो द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ एजुकेशन, इन दो चीज़ों और दो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा एक पुश की ज़रूरत है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन विल गिव ए बिग पुश टू द स्टार्टअप्स, ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूँगा कि साइक्लिक फिक्स जो होता है, मैंने बताया कि साइकिल कैसे चलता है वन बाय अनदर। सो अगर हम एक को ठीक नहीं करेंगे देन अदर विल फॉलो एंड देन द होल थिंग विल बी यू नो द होल थिंग विल बिकम साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक जो स्लो डाउन है उसको डील करने की ज़रूरत है, जिसमें कि काउंटर साइक्लिक मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स, जो मैंने बताया कि एक तरह से आप चेक करें, दूसरी तरफ से पुश करें। लाइक अगर डिमांड जनरेट नहीं हो रही है तो एक तरफ से आप मनी को इंजेक्ट करें इकोनॉमी में, तो एक तरफ मनी को इंजेक्ट करें और फिर एक तरह से ब्लॉक करके रखें। जब मनी के पास जब मनी इंजेक्ट हो जाएगी और इन्फ्लेशन डिफरेंटली बढ़ेगी, तो लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिससे के चलते लोग जब खरीदना स्टार्ट करेंगे फिर वो एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो इस काउंटर साइक्लिक रिस्पॉन्स से वो कम हो सकती है, ठीक है। देन ये अगर हम लोगों के ऊपर स्पेंड करेंगे तो लोग फिर खरीदना स्टार्ट करेंगे और फिर हमारी इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो सकती है। सो ये द होल, नाउ दिस वाज द होल डिस्कशन अबाउट दैट इंडियन इकोनॉमी हैज यू नो स्लिप्ड इनटू द रिसेशन एंड हाउ इंडिया कैन यू नो कोप अप विद दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन ऑफ रिसेशन पीरियड। सो आई होप यू गॉट सम इनसाइट। सो दिस इज नाउ इट फॉर टुडे। टिल वी मीट इन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।